वाइकिंग्स ऐसे समुद्री लुटेरे हैं जिन्हें उनकी खुखार और क्रूरता के लिए जाना जाता है। वाइकिंग्स युग के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि एक तो ये युग ईसा पूर्व का युग है जहाँ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, साथ ही इनके ऊपर कोई भी चित्र या उल्लेख नहीं है। नॉर्स वाइकिंग्स मुख्यतः तीन देवताओं को मानते थे, जिसमें देवता ओडिन, देवता फ्रेयर और देवता थॉर हैं। ये सबसे मशहूर देवता हैं, पर इसके साथ ही कुछ दूसरे देवता भी हैं। ये सारे देवता अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, जो कि शायद इंसानी दुनिया के पास ही थी। नॉर्स ने ब्रह्मांड को एक ब्रिजिल का नाम दिया, जिसका मतलब है जिंदगी का पेड़। नॉर्स वाइकिंग्स के अनुसार उनके ब्रह्मांड में नौ अलग-अलग दुनिया हैं, जिसमें से एक है एस्गार्ड, जहाँ रहते हैं थॉर और ओडिन देवता। इसके बाद इंसानों की दुनिया है यानी अर्थगार्ड। इसके बाद आता है योनताई, जहाँ दैत्य रहते हैं। इसके बाद मुस्पेल, जहाँ सिर्फ आग है। इसके बाद है नेवलसाइन, जहाँ जमे हुए दानव रहते हैं। आखिरी है अल्फाइव, जहाँ बौने रहते हैं। ओडिन सभी देवताओं के मुख्य थे, वो स्वर्ग की ऊंचाइयों यानी एस्गार्ड पर रहते थे। ओडिन देवता की एक ही आंख थी, उन्होंने सच्चाई के प्याले के बदले अपनी एक आंख कुर्बान कर दी थी। इसके बाद ही उन्हें ज्ञान हासिल हुआ था। इसके बाद ओडिन देवता ने अपने इस ज्ञान से लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई थी। ओडिन देवता के पास दो रेवन थे, इन दोनों कौवों का नाम योगिन और म्यूनिन था। माना जाता है कि ये दोनों काले कौवे ओडिन देवता की सोच और याददाश्त हैं। इसके बाद आते हैं थॉर देवता। थॉर देवता ओडिन देवता के बेटे थे, जिसके पास एक शक्तिशाली हथौड़ा था। ये आसमान के देवता कहलाते थे। नॉर्समैन ऐसा मानते थे कि आसमान में बिजली का कड़कना, बादल का चमकना थॉर देवता के आने का संकेत है। माना जाता था कि उस वक्त थॉर देवता अपने रथ में सवार आसमान का भ्रमण किया करते थे, जिसे बकरियां खींचती थी। पौराणिक नॉर्स गाथा के अनुसार थॉर को अपनी शक्ति कई जादुई टूल से मिली थी, जिसमें से एक उनकी बेल्ट थी, और ये बेल्ट उनकी शक्ति को दुगना कर देती थी। इसके बाद आते हैं फ्रेयर देवता। फ्रेयर देवता शांति और समृद्धि से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा माना जाता था कि फ्रेयर देवता मौसम को कंट्रोल कर सकते थे। वे दैत्यों और देवताओं के बीच झगड़े को सुलझाकर शांतिप्रिय माहौल बना सकते थे। अपने स्वभाव की वजह से वो आम लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाया करते थे। इसके अलावा लोकी को भी देवताओं की गिनती में लिया जाता था, लेकिन असल में वो एक दैत्य थे। माना जाता है कि लोकी पेड़ों और जीवित चीजों पर बाहर से ही रक्त का संचार देख सकते थे। यही वजह है कि लोकी सबसे बेहतरीन नाव बना सकते थे। उन्होंने कई ऐसे नायाब नाव देवताओं को तोहफे में दिए हैं। लोकी के प्रख्यात होने की एक और भी वजह है, वो एक ऐसे मिजाज के इंसान थे कि वो हमेशा देवताओं और दैत्यों के बीच लड़ाइयाँ लगवाया करते थे। एस्गार्ड में एक जगह है जिसका नाम है वेलहेला। ओडिन देवता का दरबार वेलहेला में ही था। वेलहेला को मृतकों का दरबार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जब सच्चे लोग लड़ाई के दौरान अपनी जीवन की बलि चढ़ाते हैं, तब ओडिन देवता खुद जमीन पर आकर उनके शरीर को लेकर वेलहेला चले जाते हैं। यहाँ पर वे उन्हें वापस से जीवित कर देते हैं। इसके बाद इस खुशी में एक जश्न मनाई जाती है। कई सारे नॉर्समैन इसी तरह से अपनी बलि चढ़ाया करते थे, ताकि उन्हें योडिन देवता का आशीर्वाद मिले और उन्हें पुनर्जीवन मिले। ओडिन देवता के पास एक भाला भी था हथियार के रूप में, जिसकी खास बात ये थी कि अगर उसे फेंका जाए तो वो भाला निशाने पर ही लगेगा। इसके अलावा अगर हम थोर देवता की बात करें तो उनके पास एक हथौड़ा था। इस हथौड़े की खास बात थी, जब उस हथौड़े से वार किया जाता था, वो हथौड़ा वापस घूमकर अपने मालिक के पास आ जाता था। तो ये थे वाइकिंग्स के मुख्य देवताएं, जिन्हें नॉर्समैन पूजा करते थे और इन्हीं के नक्शे कदम पर चला करते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सुझाव नीचे कमेंट पे लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।